हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोनिका और आज मैं फिर से आपके साथ कुछ सारे साड़ी रिव्यूज प्रोजेक्ट शेयर करने वाली हूँ। समर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और समर्स में हम बहुत ज़्यादा चूजी हो जाते हैं कभी कभी कि कैसे कपड़े पहने चाहिए, कैसे कपड़े नहीं पहना चाहिए। लाइट कलर क्लोथ्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर देन ब्लैक या फिर डार्क कलर्स। सो यस, मेरे पास भी कुछ इस तरह की साड़ीज रखी हुई थी। कई बार क्या होता है, मेरे पास कुछ ऐसी साड़ीज रखी हुई होती हैं जिनको हम एक ही बार नहीं पहनते हैं। अब आप लोग सोचिए कैसे कैसे पॉसिबल होता है, बट एक्चुअली में ऐसे होता है जैसे किसी ने गिफ्ट दे दी, मम्मी लोगों को बहुत पुराने टाइम पर रखी हुई, उन्होंने नहीं पहनी, तो वैसे ही कुछ मेरे पास साड़ीज थी जो कि एक्चुअली में एक बार भी नहीं पहनी गई थी। फ्रेश पीस थे, अगर आपके पास फ्रेश नहीं भी है तो भी आप उनको यूज कर सकते। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन सी साड़ी से यूज किया है। समर अप्रोप्रिएट साड़ी ही थी और समर अप्रोप्रिएट आउटफिट्स बने हुए हैं इनके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आउटफिट्स मैंने रेडी कराए हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते गाइस, और उस बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो पहली साड़ी मेरी ये वाली साड़ी थी, इसको मैंने रियूज किया है। डबल टोन में साड़ी थी, ऑल ओवर साड़ी पे इस तरह से रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन में थी और इसके पल्ले पे इस तरह से रेड कलर की बूटी बनी हुई थी। अगर ये रेड कलर का पल्ला नहीं होता ना तो ये 5 या 5.25 मीटर का एज इट इज ऑल ओवर फैब्रिक बन जाता है, इसको आप किसी भी तरह से रियूज कर सकते थे। इसके पल्ले पे भी अगर आप देखेंगे ना तो काफी अच्छा पैटर्न दिया हुआ है जिसको कि आप बहुत सारी तरह से रियूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आइडियाज भी दूंगी जो मैंने बनवाया वो भी दिखाऊंगी, कुछ अगर आपको ये पसंद नहीं आता है ना तो इसके अलावा भी कुछ और आइडियाज शेयर करूंगी तो आप वो भी बनवा सकते हैं। तो साड़ी तो समझ में आ गई होगी। सो मैंने इसका बनवाया एक ब्यूटीफुल सा कोआर्ड सेट। कोआर्ड सेट बेसिकली होता है कि ऊपर और नीचे दोनों टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है फिर उस पर ब्लेजर ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो देखिए आप कितना शीक एंड स्टाइलिश लग रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है। प्लाजो हल्का सा मैंने पैंट स्टाइल से लूज रखा था और गले पे, नेक पे, स्लीव्स पे, नीचे चाक पे, सब जगह मैंने इसमें रेड कलर की सिंपल सी पाइपिंग डलवाई है एंड दैट्स इट। इससे क्या है, डिटेलिंग ऐड हो गई, अगर आप सिंपल रखते तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लाजो में मैंने एक पॉकेट डलवा ली थी जो कि बहुत मैंडेटरी होती है हम गर्ल्स के लिए, और इनर में लेकर आई थी 4 मीटर्स। तो 4 मीटर्स जनरली लगी जाती है कुर्ती एंड प्लाजो में। ऑनलाइन पोर्टल्स पर अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे सूट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अभी स्टीम क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं क्योंकि हम गर्ल्स को ज़्यादातर ऐसे ही पसंद आते हैं। तो ये था मेरा आउटफिट इस साड़ी से बना हुआ। और अब आप सोचेंगे कि पूरी साड़ी तो उसमें रियूज होनी गई होगी, करेक्ट। पहले पोर्शन का मैंने क्या किया, तो पहला पोर्शन का मैंने बनवाया है ये काफ्तान ड्रेस। ये भी बहुत प्यारा लगा, प्यारा मुझे लगा, बिकॉज इसके अंदर बस एक स्लिप मैंने पहन लिया, इसके अंदर आप देखेंगे कुछ भी लाइनिंग यूज नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही साड़ी को यूटिलाइज किया था मैंने टू आउटफिट्स में, एक तो कुर्ती सेट बन गया था और एक काफ्तान ड्रेस बन गई। अगर आप ये नहीं बनवाना चाहते हैं, कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है, तो इसके मैं कुछ और आइडियाज आपको दे रही हूँ। जैसे कि आप इसका बनवा सकते थे एक कोआर्ड सेट। कोआर्ड सेट मतलब जिसमें कि समर ब्लेजर रहेगा, अंदर आपका एक क्रॉप टॉप टाइप रहेगा और पेंट स्टाइल में आपका ये जो बॉटम रहेगा। तो इस तरह के कुछ डिजाइन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। ये कोआर्ड सेट आप इसका बनवा सकते हैं, जैसे ये मैं जैकेट पहने हूँ ना, जैसे ये मैं समर जैकेट पहने, तो इसी तरह का कुछ आपका जो है अपर बनता है, जो ब्लेजर बनता। बट एक्चुअली इसमें जो स्टिचिंग चार्जेस है वो ज्यादा लग रहा था, ऑब्वियसली इसमें स्टिचिंग चार्जेस ज्यादा ही लगता बिकॉज इसमें ना कैनवास वगैरह लगता, बकरम लगती, पेस्टिंग की जाती, तो मैंने भी इसलिए इसको अवॉइड किया। मैं ज्यादा खर्चा नहीं करना चाह रही थी अभी इस साड़ी पर स्पेशली, तो बट आई डिसाइडेड कि इसको सिंपल ही रखते। आप चाहें तो अगर आपके घर में कोई कमिंग वेडिंग आने वाली है तो आप लहंगे पे भी जा सकते हैं, ऑल ओवर साड़ी का आपका एक ब्यूटीफुल सा लहंगा चोली रेडी हो जाएगा। दुपट्टे के लिए आप अलग से ले सकती हैं, तो नीचे आप प्यारी से कोई लेस अटैच कर लीजिए तो एक प्रॉपर एक सभ्यसाची वाला लुक आएगा। और उसके नीचे कैनकैन जरूर लगवा लीजिए, कैनकैन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक कैनकैन स्कर्ट ले लीजिए, वो आप पहन सकते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द डिजाइन जो कि आप ऐसी साड़ी से क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने बनवाया है वो बनवाया है ये कुर्ती। ये साड़ी मेरी इस तरह से प्लेन साड़ी थी, इस पर ना इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ था पूरी ऑल ओवर साड़ी पर। तो इसका क्या किया जाता, तो पूरी पूरे बॉर्डर को मैंने डिटैच कर लिया और इसकी एक प्लेन सी कुर्ती बनवाई है मैंने, जिसमें नीचे जो है यहाँ पे बॉर्डर लगवा लिया था इसी साड़ी का, और डिटेलिंग के लिए फ्रिल्स मैंने यहाँ पे जो ना फ्रिल्स लगवाई हैं पूरी स्लीव्स पे, इस तरह फ्रिल की डिटेलिंग लगवाई है जो कि एक्चुअली में मेगा स्लीव्स है और इसका लुक बहुत प्यारा आता है जब आप पहनते हैं। तो वी नेक रखा है सिंपली और आगे क्रिस क्रॉस में इसका अटैच करवा लिए और जो बटन्स है वो इसी फैब्रिक के बटन्स मैंने इसमें लगवा लिए थे। तो इस तरह की कुर्ती बनके रेडी हो गई है, काफ़ी अच्छी लगती है पहनने में और अप्रोप्रिएट है समर्स के लिए। ये समर्स में ही बस ये निकलती है, 2-2.5 महीने इसको मैं पहनती हूँ फिर रख जाती है, तो इसलिए ये काफ़ी सारी चल गई है, पिछले समर्स में मैंने इसको बनवाया था। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई कॉटन साड़ी रखी हुई है इस तरह की कुर्तीज में यूज कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट मैंने बनवाई है ये पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी मेरे पास रखी हुई थी। पहले आप साड़ी देख लें, साड़ी जो है ऑल ओवर चंदेरी सिल्क की साड़ी थी, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको डिटेलिंग में देखना है तो वो वाला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, तो ये साड़ी जो है इस तरह की थी जिसमें ये पल्ला पोर्शन था, तो इसका मैंने बनवा लिया है आगे फ्रंट पोर्शन, और बैक में आप देखेंगे ना ऑल ओवर साड़ी में छोटी छोटी बूटी बनी थी तो वो बैक में आ गया है, और नेक पे आप देखेंगे ना तो ये एक हल्का सा कट डलवा लिया था मैंने आगे
फ्रंट में जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और स्लीवलेस बनवाया है इसको मैंने। नीचे बस मैंने इससे थोड़ा सा काम करवाया था, वो ये था कि नीचे ना मैंने इसमें कैनवास लगवा के इस तरह से सर्कल सेमी सर्कल की जो है कटिंग करवा के अलग से अटैच कराई थी। आप देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, ये देखिए इस तरह से काट के फिर उन्होंने इसमें लगाया था, आप देखेंगे ना। तो यही मेन टेलर का बस इसमें काम था, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और देखेंगे आप, ये अलग से स्टिचिंग की गई है, देखिए आपको आ जाएगा समझ में कि इसमें अलग से स्टिचिंग की गई है, डायरेक्टली उसमें नहीं है। डायरेक्टली करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो आप अलग से कह के उसमें लगवाएं। पहने पे काफ़ी अच्छा लगता है, समरी वाइब्स आती है, पिस्ता ग्रीन कलर है, कलर भी अच्छा है, समर्स अप्रोप्रिएट है। सिंपल प्लाजो बनवाया था, पॉकेट डलवा ली थी उसमें, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसको आप कहीं भी पहन सकते हैं छोटे मोटे फंक्शन में, तो इस तरह की साड़ीज को आप ऐसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी है मेरी ये वाली साड़ी, हाफ एंड हाफ में साड़ी होती है जिसमें कि हाफ पोर्शन होता है क्रीम कलर का था और हाफ था रेड कलर का पोर्शन था। ये नहीं तो 7-8 साल पुरानी साड़ी है, 8 साल करीब हो गए इसको, और शाइनिंग इसमें इतनी मेंटेन है कि किसी को देने का भी मन नहीं करता। तो दिस इज द डिज़ाइन जो मेरे माइंड में इल्यूजन चल रहा है इसको बनवाने का। अब इस ये देखेंगे आपकी ऑफ शोल्डर ड्रेस, तो मैं ऑफ शोल्डर तो नहीं पहनूंगी, तो इसमें मैं सोच रही हूँ पतली सी एक स्ट्रैप ऐड करवा लूंगी, तो वो डिटेलिंग भी ऐड हो जाएगी, वो डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा, वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और क्रीम कलर का मैं प्लाजो बनवा लूँगी, प्लाजो इन द सेंस कि वो इतना घेर तो नहीं आएगा, बट हाँ इतने में आराम से ये बन जाएगा। मैं अपने टेलर से पूछा था, डिस्कस किया था, तो शी सेड कि बन जाए। आपको ये नहीं बनवाना है तो आप कुर्ती भी बनवा सकती है, जैसे ये इमेज में आप देख रहे हैं, तो दिस विल बी लाइक ठीक रहेगा ये बनवाने के लिए। अनारकली वगैरह इसका तो मैं बिल्कुल नहीं बनवाऊंगी, इनफैक्ट मैं कहूँगी आप भी ना बनवाएं। अगर हाफ एंड हाफ साड़ी है तो अनारकली बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक कली इसकी लगाई जाएगी, एक कली इसकी लगाई जाएगी, काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक उसमें वेस्ट होता है। अगर आपके पास कुछ इस तरह की साड़ी है या दुपट्टा है, जैसे कि मेरे पास ये है, आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा दुपट्टा है, तो इसका भी आप एक ब्यूटीफुल सा काफ्तान रेडी करवा सकते हैं। ये जो पैच आप देख रहे हैं ना, पैच लगा हुआ है ये आगे और पीछे दो साइड लगा हुआ है, जैसे एक तो ये साइड ये हो गया और एक ये हो गया, इसका काफ्तान ब्यूटीफुल सा बन के रेडी होगा, बहुत प्यारा लगेगा काफ्तान इसका अगर आप बनवाएंगे। अंदर एक स्लिप आप बस पहन लीजिए, इसमें लाइनिंग लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो काफ्तान से आजकल बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड भी हैं, तो आप इसका काफ्तान बनवा के रेडी करवा सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और ग्रीन कलर का कोई अगर आपके पास बॉटम रखा हुआ है उसके साथ पेयर कर सकते हैं, गोल्डन के साथ भी पेयर कर सकते हैं, कोई भी डार्क कलर के साथ आप पेयर करिए, बहुत प्यारा लगेगा। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेस वीडियो, होपफुली आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी आज के वीडियो से। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल 3 स्टाइल मी देसी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।